नमस्कार, मेरा नाम आकाश पांडे है और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में, जिसे जानने के बाद आपको लगेगा कि ये वाकई एक चिंता की बात है और ये एक चिंता का सबब भारतीय क्रिकेट में बनते जा रही है। आपको 2013 तो याद ही होगा, 2013 का वह साल जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की धरती पर जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल की थी। तब भारतीय टीम के कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने ICC के तीनों ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम 2007 से लेकर 2013 तक एक ऐसी टीम थी जिसने घर में भी और विदेशों में भी जाकर जीत हासिल की थी, फिर चाहे वो बायलेटरल सीरीज़ हो या फिर ICC के बड़े इवेंट्स। भारतीय टीम ने हर जगह सफलता प्राप्त की। 2008 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जो कि ट्राई सीरीज था, वहाँ पर भारतीय टीम ने जीत हासिल किया। न्यूजीलैंड में जाकर 40 साल बाद टेस्ट सीरीज में फतेह हासिल की। फिर उसके बाद 2009 में ही टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नंबर एक का स्थान हो, और उसके बाद 2011 में 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना एक अलग ही वर्चस्व था भारतीय क्रिकेट टीम का। 2013 हुआ एक आखिरी साल था जब भारतीय टीम ने किसी बड़े ICC इवेंट्स में जीत हासिल की। पर 2013 के बाद क्या? 2013 के बाद से भारतीय टीम के पास कई ऐसे मौके आए जब वह अपनी जीत में और एक जो सफलता की सीढ़ी चलते आ रही थी उसमें और चार चांद लगा सकते थे। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसे मौके आए जब भारतीय टीम उन मौक़ों को भुना सकती थी, पर कहीं ना कहीं वो चूक करते आ रहे हैं। हम आपको आज कुछ ऐसे वाक्या बताएंगे जहां आपको जानने के बाद यह लगेगा कि एक होता है हाथ को आया और मुंह न लगा, तो कुछ ऐसा ही भारतीय टीम के साथ हुआ है। पिछले 7 सालों में भारतीय टीम के पास बहुत मौके थे, फिर चाहे वो भारतीय मेंस टीम हो, वुमेंस की टीम हो या फिर अंडर-19 की टीम हो, तीनों टीमों के पास बहुत ऐसे मौके आए जब भारतीय टीम सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ सकती थी पर नाकामयाब हो गई। तो आइए बात करते हैं उन जो चूके हुए मौके हैं उनके बारे में। भारतीय टीम सबसे पहले यह जो हार का सिलसिला था इसकी शुरुआत हुई है 2014 से। 2014 में बांग्लादेश में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी और ग्रुप स्टेज में ऐसा लगा कि इस टीम को हराना बिल्कुल नामुमकिन सा साबित हो रहा था, पर फाइनल जो हर्डल होता है वो भारतीय टीम पार नहीं कर सकी। श्रीलंका के साथ फाइनल में हार गई और एक जो होता है सपना सा था वो टूट गया। उसके बाद फिर 2015 का वर्ल्ड कप, लीग स्टेज में टॉप पर फिनिश किया भारतीय टीम ने, लगातार 7 में से 7 मुकाबले जीतकर एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ चल रही थी। फिर वही सेमीफाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहां भी करोड़ों दिलों का सपना टूटा 2015 से लेकर। फिर उसके बाद 2016 में वर्ल्ड टी20 हुआ और भारतीय टीम ने फिर शानदार खेल दिखाया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ सेमीफाइनल पड़ा और मतलब 191 रनों का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज़ को और इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से हासिल किया और भारतीय टीम एक बार फिर नाकामयाब रही। उसी साल 2016 में अंडर-19 की टीम को भी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हराया। उस समय अंडर-19 के कप्तान ईशान किशन थे और उनकी टीम अच्छी खेल रही थी, पर फाइनल में जाकर वहाँ भी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। 2016 से आगे चलें तो 2017 का वो चैंपियंस ट्रॉफी तो आप शायद भूले नहीं होंगे, बुमराह की वो नो बॉल जो फ़खर जमान को उन्होंने करी थी और फ़खर जमान वहाँ पर जीवनदान उन्हें मिला था और उन्होंने एक शानदार शतक लगाया था और भारतीय टीम वहाँ भी पाकिस्तान के हाथों ऐसे पिट गई थी कि जैसे उस हार के सदमे से अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि उस हार को हम अपना नहीं सके। वहाँ भी भारतीय टीम को एक ना कभी ना भूलने वाली हार मिल गई पाकिस्तान के हाथ। उसी साल 2017 में वुमेंस टीम ने तकरीबन 1997 के बाद, यानी कि मतलब देखा जाए तो 20 सालों के बाद भारतीय वुमेंस टीम ने इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री करी। अच्छा खेल रही थी, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धमाकेदार अंदाज से मतलब एक बुरी तरह हराकर धमाकेदार अंदाज से फाइनल में एंट्री किया वुमेंस टीम ने, लेकिन क्या हुआ, फाइनल में हार गए। फाइनल में अच्छी खेल रही थी हमारी लड़कियाँ, 229 रनों का टारगेट था, 229 रनों का पीछा करते हुए एक समय ऐसा लगा जब 191 पर हम 3 थे और ऐसा लगा कि भारतीय टीम आज भारतीय महिलाएं जो हैं वो एक इतिहास रचने जा रही हैं, लेकिन हुआ क्या, एक बैटिंग कोलैप्स हुआ, तकरीबन 27 रनों के भीतर पूरी टीम सिमट गई और 219 ऑल आउट हो गई हमारी भारतीय टीम और भारत मेरा सामना करना पड़ा। उसके बाद 2017 से आगे चलें तो
2018 में भी यही हाल रहा वुमेन्स टीम का, जब वुमेन्स टीम ने T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2018 से 2019 में हमारे मेंस की वर्ल्ड कप हुई, जहां पर इंग्लैंड में मतलब भारतीय टीम ऐसा लगा कि इस टीम को हराना नामुमकिन सा। भारतीय टीम के एक एक ओपनिंग बल्लेबाज ने जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाँच शतक ठोक डाले और उस टीम को मतलब एक अनबीटन सी टीम लग रही थी। और एक रेयर फेलियर, एक बुरा दिन, मात्र आधे घंटे का खराब खेल सेमीफाइनल में, उसका नुकसान भारतीय टीम को भुगतना पड़ा और भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथ हार कर बाहर हो गई। उस दिन कितने क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूटा होगा यह कहने की बात नहीं है, बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, हमारा भी दिल टूटा था, आपका भी दिल टूटा था। सबसे रेयर ये कल का वाकया है जब भारतीय महिलाएं टीम ने पहली बार किसी ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल में टीम पहुंची, और वहां भी ऐसा मतलब एक इतिहास रचा जा सकता था। हम थोड़े करीब तो थे, पर वहां भी फाइनल हर्डल को क्रॉस नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर मैं देखूं तो मतलब ऐसा लगता है कि जो है ये भारतीय सेटअप है मेंस वुमेन्स और अंडर 19 का, तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस टीम के पास हर वो काबिलियत है, हर वो पोटेंशियल है जिसको लेकर यह टीम बहुत आगे जा सकती है। हर जगह जीती भी आप देखिए तो बायलेटरल सीरीज को उठाया जाए तो हर बायलेटरल सीरीज में यह टीम अच्छा करते आ रही है, कहीं भी जाती है जीत कराती है। लेकिन वह एक बड़ा टूर्नामेंट जीतना, किसी सीरीज को जीतना और एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इस टीम को एक बड़े टूर्नामेंट में जीत की आवश्यकता है। कहा जाता है कि बड़े मंच पर एक बड़ा पंच लगाने से ये टीम बड़ी बनती है, तो उस एक बड़े पंच की आवश्यकता है जो ये टीम पिछले हालिया दिनों में लगाने में नाकामयाब रही है। उम्मीद करते हैं कि जो यह साल में आखिरी में जो वर्ल्ड T20 होने वाला है उसमें यह टीम उस एक बड़े पंच को लगाने में कामयाब होगी। जो मेंस का वर्ल्ड T20 होगा ये अक्टूबर में 2020 में ऑस्ट्रेलिया में जो होने जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि वहाँ ये जो फाइनल हर्डल हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ इस हर्डल को हम क्रॉस कर पाएंगे और एक बड़ा पंच लगाने में कामयाब हो पाएंगे। टैलेंट की कमी नहीं है, आप चाहे 16 साल की शेफाली वर्मा को ले लें या फिर 19 साल के यशस्वी जायसवाल को ले लें, टैलेंट की कमी भारतीय क्रिकेट में कभी नहीं रही है। बस वो एक होती है ना जो आखिरी के मौकों पर टीम जो फिसलती जा रही है, बस उसे दूर करना है, उसे पार पाना है, फिर यकीन मानिए भारतीय टीम का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में कायम रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए हमारे इस पेज को लाइक करिए, हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आती है आपको तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और होली का त्यौहार भी है तो आप सबको जाते जाते हैप्पी होली, अच्छे से खेलिएगा, सेफ होली खेलिएगा, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।